करना चाहिए ना। चलिए डाउट बोलो। भव्या क्या बात है किसने किया ये हमको ये बताओ गंद की तरह लगा रही है इतना गंद डाला तुमने यार और कटिंग का लिखा भी ढंग से नहीं है तुमने यार गलत बात है ना राइटिंग साफ लिखो यार दो बेटे आगे इस काम सही करना क्यों लास्ट फैन ऑफ कर देते चलो जी डाउट बोलो जरा लास्ट फैन ऑफ कर दे ते प्लस टू वाला देखो होमवर्क चेक करेंगे जे मतलब होमवर्क दिया है जिन्हें नहीं किया एक बार मैसेज पा दो ग्रुप जो होमवर्क नॉट डन तो वो चेक करेंगे नहीं टाइम क्या पर्सनल मैसेज पा दो होमवर्क नॉट डन होमवर्क का नितिन का जी काम नितिन का पापा को फोन कर दो बहुत गंदी राइटिंग करता है सही है तो समझ मुझे आ नहीं रहा उसमें बेटे गलत बात है ऐसे तुम लिख रहे हो कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़े होते हैं हैं तुम लिख रहे हो तो लिखा प्यार से लिखो ढंग से लिखो यार बेटा डाउट लो जल्दी से शाबाश नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है डाउट पूछ रहे थर्ड का सेकंड पार्ट कई नंबर बोलो कई नंबर बेटा ये वाला कल ये डाउट तो ले ली थी मैंने सारे यहाँ तक ठीक है बोलो कौन सा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट पढ़े बेटा थर्ड क्वेश्चन पढ़े सारे बच्चे A balloon starts rising from the ground with an acceleration of 1.25 meter per second square. A stone is released from the balloon after 10 seconds. Determine the एक balloon है जी कुछ ऐसे यहाँ से ये balloon है ये ऊपर की तरफ rise कर रहा है ऐसे ठीक है कितना acceleration है 1.25 meter per second square. A stone is released from the balloon after 10 seconds.
10 सेकेंड बाद, तो 10 सेकेंड बाद बलून की वेलोसिटी क्या होगी बेटा? पी बराबर है यू प्लस 80, रेफरेंस है, वेलोसिटी ऊपर है, प्लस लिया है, इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। ये कितना है 1.25, टाइम कितना है 10, कितनी आ गई जी 12.5 मीटर पर सेकंड से आपका बलून है उस टाइम ऊपर चल रहा था। तो जब आप कोई पत्थर इससे फेंकेंगे, जब कोई पत्थर आप इससे फेंकेंगे, जब कोई पत्थर आप इससे फेंकेंगे तो इस पत्थर की उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 12.5 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस बात को तुम्हें समझना है। मान लो एक ट्रेन है, एक दौड़ती हुई ट्रेन है, अगर उस ट्रेन से आप उतरना चाहते हैं आप उतर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ट्रेन की स्पीड 100 है तो तुम्हारी स्पीड भी 100 है, ठीक है। तो ये जो बलून का जो स्पीड होगा वही पत्थर का स्पीड होगा जब ये डीएटैच होगा। तो पत्थर का इनिशियल स्पीड क्या हुआ? 12.5 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून आफ्टर डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट क्या होगी जब आप छोड़ोगे? तो इसके पास स्पीड ऊपर है बेटे, स्पीड ऊपर है, तो ये पत्थर नीचे जाने की बजाय पहले कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा बेटे? ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसका वी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो वी क्या होता है? यू प्लस 80, या ये लगा लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी कितना है बेटा? जीरो करना है। यू कितना है? 12.5 का स्क्वायर टू ए कितना है जी? अब ये फ्री फॉल है, बलून से ये डीअटैच हो गया है। बलून से क्या हो गया है? बलून से डीअटैच हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए की वैल्यू? नाइन पॉइंट एट, कि उसने जी टेन नहीं बोला मुझे, डाउनवर्ड इनटू एस, मतलब कि एच टू मान लो इसको, माइनस से माइनस चला गया, कितना आया जी ये 12.5 इनटू 12.5 अपॉन 9.8, ये कितना आ गया हाइट? निकालो इसको, कैलकुलेटर यूज करें बेटा जल्दी से। हाँ जी, कितना आता ये? सॉल्व किया आपने घर पे ये? नहीं सर, सॉल्व दूसरे फॉर्मूले से। ये कितना आएगा यार? 10 मान लो इसको यार, 10 मान लिया तो ये जीरो हटा दिया, ये 100 बन गया, हटा दिया ये भी 100 बन गया। 125 इंटू 125 कितना होता है? सॉल्व करना पड़ेगा यार। टाइम कहाँ है? कैसे कर लिया आपने हाफ एटी स्केल से? टाइम को, टाइम वो तो अलग है, वो तो ये चीज है, आपने यहाँ से छोड़ा बलून, ये हाइट अलग है बेटा, ये हाइट एच वन है। एच वन तो मैं निकाल देता हूँ, एच वन क्या आएगा? हाफ 80 स्क्वायर, हाफ ए कितना है जी? 1.25। टाइम कितना है? 100 आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया बच्चे? 1.25 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा ये? 62.625 इंटू 100, 62.5 मीटर। ये हाइट है जो ग्राउंड से कितनी है जी? 62.5 मीटर है। जब तुमने बलून को फेंका है
बलून रुका नहीं है बेटा, बलून के पास इनिशियल वेलोसिटी, स्टोन के पास इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो ये स्टोन कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। कब तक ऊपर की तरफ जाएगा? जब तक ये रुक ना जाए। तो ये हाइट निकालनी है, निकालो यार, करो सॉल्व भाई। इसमें पीसी में कैलकुलेटर होता है, कहाँ होता है? यहाँ पर कैलकुलेटर। क्या था बताओ? हाँ, 1.25 1.625 अपॉन 1000 लोग निकाल लेते हैं। अरे क्या हो रहा है? 1.25 into 1.25 1.25 हाँ 12.5 यार, ये कर दो गया। तू जाओ तो 1.625 12.5 into 12.5 इक्वल्स टू 156, कितना है? 15.6 आ गया। देखो जी, यहाँ पर ये फिजिक्स तुम्हें समझने वाली है, तुम्हारे दिमाग में बिठाने वाली है भाई। देखो, नई फिजिक्स है, कौन है? ठीक है, करणप्रीत, तू बेटे बाहर बैठ, सानू डिस्कस करनी है। बाहर बैठे कि सो रही है? सो रही है, सानू साड़ी साड़ी को लेक्चर रखी आ रही है, बाहर बैठ जाके। तो करना क्या है? बॉल है, अब तुम्हें ये बात समझनी है कि बलून ऊपर उड़ रहा है। जब पत्थर उसे आप फेंकोगे, पत्थर नीचे नहीं जाएगा। पत्थर के पास बलून वाली क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो पत्थर जैसे आपने छोड़ा, पत्थर ऊपर जाना शुरू करेगा। कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो ये पार्ट बहुत समझने वाला है। देखिए आप, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, फाइनल वेलोसिटी पत्थर की जीरो होनी है। इनिशियल क्या है? बलून वाली है, 12.5। अब क्योंकि पत्थर अटैच, डी अटैच हो गया है, तो इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। दिमाग में ये बात घुस रही है कि नहीं घुस रही है? पत्थर पे, जब पत्थर बलून से अलग हो गया है, तो किसकी किसके कंट्रोल में आ गया है? तो यहाँ क्या लगाया मैंने? ग्रेविटी लगाई है जी, 9.8। ये हाइट कितनी आ गई? 15.6। तो पत्थर मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पे गया? 12.5। तो जमीन से पहले बलून के साथ गया था वो। दिमाग कहाँ तुम्हारा? बलून के साथ कितना ऊपर गया वो? 12.5, उसके 62.5, उसके बाद आपने हवा में फेंक दिया तो भी वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड है। तो कुल कितना ऊपर गया वो? 2.5 प्लस 15.6। आंसर निकालें, डायग्राम बना लो, नोट कर लो। H1 क्या चीज है? डायग्राम बना ले, नोट कर ले। H1 क्या चीज है? H1 है बलून के साथ हाइट कवर किया पत्थर में। H2 क्या है? जब पत्थर को आपने फेंक दिया हवा में, तभी वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि तो उसके पास अपवर्ड वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो अपने आप कितना ऊपर जाएगा वो? 15.6 जाएगा। दोनों को जोड़ लो बेटा, आंसर मैच कर रहा है? कितना फर्क आ रहा है? 8 8, मतलब 78.5, 78.1 आ रहा है हमारा, वहां पे 70 वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का हो नहीं, सकता है। वहां पे 70.3 कितना आया? 70.3 है। हमारा कितना आया? टू। अरे हाँ यार, ये टू कहाँ गया? देखो, ये टू लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ गया आंसर, 15.6 का आधा कर दो, 15.6 बटा 2 कितना आया?
कितना है 7.8 मीटर जोड़ो तो 62.5 प्लस 7.8 आपको आ गया नजदीक बेटा, कितना आ गया 70.3 आ रहा है। वो कोई बात नहीं क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है, मैंने कैलकुलेटर से किया है, वो बहुत डिजिट तक सॉल्व करता है मोबाइल जो पीसी कैलकुलेटर 7-8 डिजिट तक सॉल्व करता है वो। आ गया आंसर जी, पहला पार्ट किसी से हुआ था ये हो गया था। ओके चलिए देखो इस क्वेश्चन में मैं फिर रिपीट करता हूं, समझने वाला पॉइंट क्या है कि भाई स्टार्टिंग में बलून और पत्थर इकट्ठे जा रहे थे, हाइट कवर हो गई, जब फेंक दिया तुमने तो वो पत्थर है वो फ्री फॉल में आ गया है, तब भी वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास क्या है अपवर्ड वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है जो बलून के पास वेलोसिटी है वही पत्थर को वेलोसिटी मिलेगी, ऐसा ये रूल होता है। अगर आपको लग रहा है तो आप चलती कार से उतर नहीं सकते, मान लो कार 90 में जा रही है क्या आप उतर जाएंगे? आंसर है नो। आंसर क्या बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है जी, समझ में आया जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी, क्लियर। आगे चलें, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब देखो तुम्हें हाइट पता है 70.3 है जो भी है तुम्हारी हाइट, तो टाइम कितना होगा बताइए, 2h by g का रूट कितना बेटा 270.1 है तो 1 से निकाल लीजिए, पीछे 1 लिया उसने, अपॉन g कितना है 9.8, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। यह आंसर आ गया जी आपका, कितना आया बताओ 70.1 इंटू 2 इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाय 9.8 इक्वल्स टू 40.3 का रूट, कहाँ रूट है यार ये बड़ा, कितना आया पीछे 5 सेकंड, तो वहां से में वेरिएशन है 5 कैसे आ गया भाई सर, आप ओवर टाइम भी निकालने से बाद में दोनों का प्लस होगा। अच्छा हाँ ठीक है जी, ये तो फ्री फॉल का आ गया बेटा, कितना आया ऊपर से नीचे का मैंने निकाल दिया है जी 3.78। अब देखिएगा यहां से जब ये छोड़ा है तुमने, ये नोट किया यहां से छोड़ा है तो इसने ऊपर जाने में भी समय लिया है, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा v बराबर है u प्लस a t1, तो देखिएगा 0 u कितना है 12.5 माइनस 9.8 इंटू t1, तो t1 कितना आ गया जी 12.5 अपॉन 9.8 कितना आया जी, ये बोलो यार 12.5 अपॉन 9.8 इक्वल्स टू 1.27, कितना आया जी 1.27 सेकेंड, और वहां कितना हुआ पहले टाइम कितना आया था बताओ, ये 3.78 सेकेंड, जोड़ो कुल टाइम 3.78 प्लस 1.27 अप्रोक्सीमेट, क्या तुम्हें समझ में आया जी क्वेश्चन कैसे निकालना है, क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है जी, स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया, आप प्रॉपर कॉपी में बना लें नोट कर लें, यहाँ पर इतना जगह नहीं होता है बेटा सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट बोले जी, नेक्स्ट डाउट बोले जल्दी से,
क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा, समझने वाला लेवल। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ड्यूरिंग इट्स मोशन, इट कवर्स 9/25 पार्ट ऑफ हाइट ऑफ टावर इन लास्ट 1 सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आखिरी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बताइए, अगर आखिरी 1 सेकेंड का दिया हो तो इसका एक तरीका है सॉल्व करने का। पहले क्वेश्चन को फिर समझ ले बेटा, देखिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये टावर है, आखिरी समय में उसने 9/25 पार्ट कवर किया है ड्यूरिंग इट्स लास्ट सेकेंड जर्नी, ठीक है जी, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है आपको। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर, तो ड्रॉप्ड मतलब u कितना है, बोलिए u कितना है बेटे, जीरो, अगर u जीरो है तो आप क्या लगाएंगे, लास्ट सेकंड में हमें ये पता नहीं है, एस एन तो लगा दें हम इसका, एस एन, एस एन दिया हुआ हमें लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी, आखिरी सेकंड में एस एन दिया हुआ है, मान लो कि मोशन को एन सेकंड लगते हैं, कितने बेटे, मान लीजिए मोशन को एन सेकंड लगते हैं, हमें ये भी क्लियर नहीं है मोशन को कितना समय लगेगा, मान लेते हैं मोशन को एन सेकंड लगते हैं, एस एन कैसे लगा लेंगे आप, एस एन कैसे लगाएंगे बताइए, बिल्कुल u प्लस हाफ, देखो लास्ट लेट लेट एन सेकेंड है टोटल जर्नी टाइम है, टोटल फॉलो जर्नी टाइम, तो आखिरी सेकेंड में क्या होता बताओ बेटा, एसेंस क्या होगा बताइए, एसेंस क्या होगा, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, फ्री फॉल है u जीरो है, एसेंस कितना दिया है 9/25 बेटा g बाई टू, एक्सलेशन है ना जी बाई टू, तो एन माइनस वन जी हमें पता है, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा बच्चों, एन निकाल लूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा घर पे सॉल्व करेंगे, जी कितना लेंगे आप बताओ, 9.8 क्योंकि दिया नहीं इसने यार 10, तो क्या बोला 10, जब तक क्वेश्चन में बोले ना 10 तब तक आप 10 नहीं ले सकते, क्या लेना है तो ले लीजिए, चलिए ये कितना बन जाएगा 20 माइनस 1 19 इंटू, अरे क्या हो रहा है, 10/2 5 हो जाएगा, 5 2 10 n माइनस 5, ये n में क्वाड्रेटिक बनेगा बच्चों, जबरदस्त n में क्वाड्रेटिक बनेगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, क्रॉस कीजिए 9 = 250 एन प्लीज माइनस 125 क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रहा है, ऐसे ही सॉल्व हो रहा है बेटा बिना क्वाड्रेटिक के, बनाओ
कितना आएगा इधर ले जाओ, ये कितना आ गया, ये 134 इक्वल्स टू 250 एंड नहीं सही नहीं यार, क्या गलत किया है, इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। हाँ वो n by 25 एक पार्ट है, वो हमें थोड़ी डिस्टेंस दी है। हाँ नहीं नहीं हाँ एंड ओ वगैरह लेक्चर ना पड़ेगा बिल्कुल, तभी गड़बड़ हुआ है। चलिए नोटपैड पे जाता हूँ, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है इसलिए आप अटक गए हैं मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था डीपीपी? सिक्स का क्वेश्चन पांचवा। अब ये जरा देखिए दोबारा से, यहाँ जगह काफी है, ये फ्री फॉल है आखिरी सेकंड में 9/25 दिया है, कितना दिया है बेटे 9/25। मान लो लेट एन बी द टोटल टाइम, मान लीजिए एन क्या है जी टोटल टाइम, और टोटल हाइट क्या मान लो इसको मैं एच मान लू, यू कितना है जीरो, एच क्या होगा जीरो प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी क्या आएगा बेटा यहाँ पर जीरो प्लस हाफ, हमने एन माना है एन स्क्वायर आ गया, एक फॉर्मूला बोलिए आ गया। अब ये क्या दिया है 9/25 ऑफ एच, क्या दिया है एच हाइट का 9/25 पार्ट, तो एच इंटू 9/25 क्या हो गया यू प्लस ए इंटू 2n-1, तो 9h/25 इक्वल्स टू जीरो प्लस, हाँ बेटा अब वो क्या ए वो जी अपॉन जी बाई टू था ना यार, हाँ जी बाई टू क्या आएगा जी बाई टू बोलो 2n-1, एच की वैल्यू यहाँ लेके आओ 9/25 इंटू एच कितना आएगा हाफ जी एन स्केयर इक्वल्स टू जी बाई टू 2n-1। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े, जी को 10 मान लू 9/25 इंटू हाफ, जी को बेटा 10 मान लो इंटू एन स्केयर इक्वल्स टू जी बाई टू, यहाँ भी 10 मान लो यार, जी से जी कार्ड तो मानने की क्या बात है, खत्म क्यों मान लें हम, छोड़ो जी से जी गया गया जी, तो ये एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा मल्टीप्लाई कर लो हाफ से ले जाओ अंदर यार n-1। चलो अब आगे क्या सॉल्व होगा यार, n/50 इंटू एन स्क्वायर, ये तो वही ले लो यार 2n-1 ही अच्छा है बाय 2, क्रॉस कर दो यार, क्या बना 2 9 18n² इसको उधर ले जाओ 100n-50, ठीक है यार क्वाड्रेटिक बना बच्चों 18n² हाँ 2 ले लो यार, फिर वही आ गया 9n² - 50n - 25 इक्वल्स टू जीरो, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक बताओ यार, रूट्स क्या बनेंगे इसके यार, हाँ प्लस का 25 आएगा, चलो 25 इसके रूट बनाओ यार, रूट बनेंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चन दे रखे बताओ क्या करें, बच्चे भी क्या करें हैं, करो रूट तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेगा प्लीज, ये वाला लगाओ क्वेश्चन में सिरा लगा रखा है, तो अभी क्या आएगा माइनस भी कितना है यार प्लस 50 आ गया प्लस माइनस बी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर
माइनस फोर ए कितना है? नाइन। सी कितना है? 25 अपॉन बोलो 2। ये कितना है? 9। ये तो 9 है ना तुम्हारा, बोलो यार। 50 प्लस माइनस बोलो बेटा क्या आया? 2500 माइनस 900 अपॉन 18 क्या बनेगा? 50 प्लस माइनस बताओ जी। 40 बाहर आ जाएगा, 1640 अपॉन 18। एक बार प्लस साइन ले लो, 50 और 40 90 बटा 18 5 आ गया जी। टी की एक वैल्यू 5 सेकंड आ गई और एक बहुत कम है, दस बटा 18 नॉट पॉसिबल। अपॉन 18 ठीक है जी, ये एक सेकंड से भी कम है तो ये पॉसिबल नहीं है। टी 5 आ गया बोलो बोलो, टी 5 आ गया बेटे। तो हाइट निकल आएगी, आप क्या दिक्कत है जब टी 5 आ गया तो? हाइट कितनी आई बताओ? एच क्या हो गया? हाफ इंटू 10 जी इंटू 5 का स्क्वायर हाफ 10 इंटू 25 थोड़ा फर्क पड़ेगा यार, 5 125 मीटर के करीब। तो समझ नहीं आया कहां से कहां कैसे पापड़ बेले हैं भाई, एक फ्री फॉल का इक्वेशन लगवाया है, एक एसेंस का इक्वेशन लगाया है, दोनों क्या कर दिया बेटा? इक्वेट कर दिया है। नोट किया भी सारे आप? नोट कर ले बेटा, काफी लंबा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट बोलते हैं बेटा, पहले तो नोट करो। एक्चुअली क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन लंबा चला जाता है, बन रहे हैं फिर एक 5 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टर बन गए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट बेटे, ये थोड़ा सा ये हर बच्चे के लिए मुश्किल है, लास्ट सेकंड में थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 8-3 सेकंड का मतलब क्या है, फ्री फॉल का मतलब क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट बोले बच्चों, अगला भी ऐसे ही क्वेश्चन नोट कर लिया? नोट कर लिया जी, ये यहीं पर आगे सॉल्व करने पड़ेंगे, वहां पर इतनी जगह नहीं होती है कि मैं वहां पर सॉल्व कर पाऊं, क्वेश्चन लंबे लंबे हैं। चले जी आगे आगे बोले बेटा, 40 मीटर है लास्ट 2 सेकंड्स, तो लास्ट 2 सेकंड्स क्या होता है बताओ? सिक्स क्वेश्चन, आखिरी के 2 सेकंड जी। अब आखिरी के 2 का तो कोई तरीका नहीं है, है कोई तरीका? इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखवा दूं? आखिरी के 2 सेकंड का कैसे निकालते हैं? एस एम बोलते हैं इसको, एस एम एंथ मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड। अभी 2 का निकालना है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। देखो आप सिंपल भी कर सकते हो, आखिरी का 2 है तो कैसे निकालेंगे हम, फार्मूला भी होता है इसका, एस एन माइनस एस एन माइनस 2 निकला है आखिरी का 2। बोलो एस एन कितना है? हाफ जी इंटू एन स्क्वेयर माइनस हाफ जी इंटू एन माइनस 2 का स्क्वेयर। बोलिए क्या कॉमन आ गया? हाफ जी कॉमन आ गया, एन स्क्वेयर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वेयर क्या बन गया बेटे? हाफ जी बोलो ए स्क्वेयर, कर लो सॉल्व यार।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या है जी, हाफ जी एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, हाँ जी ये दिया है ना हमें लेफ्ट साइड पे, एस एन एस एन माइनस टू क्या दिया है 40 दिया है, ध्यान देखिए तो 40 इक्वल्स टू हाफ जी कितना है 10, 4 एन माइनस 4, 2 5 जा 10, 8 इक्वल्स टू 4 एन माइनस 4, 12 इक्वल्स टू 4 एन, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू, समझ में आया दो का कैसे निकालना है, या तो ऐसे कर लो इसका फॉर्मूला जो होता है SM, वो मैं लिखवा दूंगा, आप उसको भी आसानी से यहां पर लगा पाएंगे। तो डिस्टेंस कितना हुआ टावर का, SM कितना है हाफ जी एन स्क्वायर, कितना है हाफ जी कितना है 10, एन कितना है 9, कितना है जी 45 मीटर इज हाइट ऑफ टावर। क्लियर जी, 6 का आंसर कैसे आया, आगे बोले जी। ये सारी कर ली था आपने ट्राई, 7th 8th 9th क्या है जी, 9th भी बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर, ए फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड, फाइंड द पोजिशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टैप है जी, उससे पानी वो टिप टिप कर रहा है, ठीक है जी, तो जब पानी टिप टिप कर रहा है तो आपसे पूछा क्या है जी, आपसे पूछा है सेकेंड और थर्ड ड्रॉप का पोजिशन क्या है भाई। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देखिएगा, 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये पोजीशन है, ये मान लो बूंदें ऐसे गिर रही हैं जी, और ये क्या है जी ग्राउंड है, जब पहला ड्रॉप टच कर रहा है तो चौथा ड्रॉप टैप से बाहर निकल रहा है, यही बोला, बोलो बोलो यार, पहला टच कर रहा है तो चौथा पोजीशन अपनी छोड़ रहा है, ठीक है जी, इसका मतलब दूसरा और तीसरा कहीं पर रास्ते में फिर रहे होंगे, बोलो समय टाइम क्या है जी सेम, तो अगर इसमें और इसमें टी टाइम है तो इनमें भी टाइम इंटरवल क्या है, बूंदे तो एक फिक्स टाइम के बाद ही गिरती हैं, बोलो भाई बूंदे एक फिक्स टाइम के बाद गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। हाइट दिया है टावर का कितना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझना क्वेश्चन जी, ये जो टोटल टाइम है जी कितना आया 3t, तो 3t इक्वल्स टू रूट 2h बाय जी, अब कितना है ये 2h कितना है 9 g
कितना है? 10। कितना है सॉल्व करके यार? आप देखो 9 को तोड़ा दो, 9 को 3 से किया खत्म, ठीक कितना आया? 1/√5। कितना आया जी? 1/ हर टाइम में कितना इंटरवल है बताइए, हर ड्रॉप में कितना टाइम इंटरवल है? 1/√5 का। तो सेकंड ड्रॉप का कितना हुआ देखिए, सेकंड ड्रॉप कितना टाइम चला बोलो बेटा, पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप क्या आएगा बताइए? S इक्वल्स टू 0 + ½ g इंटू टाइम का स्क्वायर होता है, तो हाफ g कितना है 10, टाइम कितना है 2t का स्क्वायर, टी कितना है जी भरो, हाफ 10 टू टाइम कितना है जी 1/√5 का स्क्वायर, कितना है जी 5 × 4/5 4 मीटर। दूसरे ड्रॉप की पोजीशन क्या है जी 4 मीटर है, तो तीसरे की क्या होगी बताइए बोलो बेटे, थर्ड ड्रॉप पोजीशन क्या होगा बताइए? S3 हाफ 10 × समय कितना ले लेंगे आप, टीटी आएगा हाफ 10 थ्री का स्केयर 9 टी का स्केयर 1/5 9 मीटर। नाइन नहीं आना चाहिए यार, अरे थर्ड ड्रॉप तो यार टी टाइम आएगा यार, हमने थ्री टी क्यों ले लिया, वो तो टोटल लेंथ निकाल ली हमने, इट शुड बी 1 बेटा 1, क्या आया 1 मीटर, नॉट 9 1, क्योंकि ये थर्ड ड्रॉप यहां पर ना, थर्ड ड्रॉप यहां पर है, उसको एक टाइम ही मिलेगा। तो ये समझ में आया कि ड्रॉप वाला टिप टिप ये कैसे सॉल्व करना है आपको, पहले ड्रॉप का पोजीशन और आखिरी ड्रॉप का पोजीशन। मैं अगर 4 ड्रॉप है तो इंटरवल 3t बनेगा, ये बात दिमाग में बिठानी है, 3 ड्रॉप हो गए तो इंटरवल क्या बनेगा 2t बनेगा, तो वहां से आपका पोजीशन है वो ड्रॉप का निकल जाएगा। और बोले बेटा आज खत्म कर लो भी, अभी और कुछ पूछना पूछ लो, एक और क्वेश्चन है इसमें, भागने की तैयारी मत करो। क्वेश्चन नंबर 7, ये काफी बड़ा है, इसके कई पार्ट है, पढ़ो। कर लिया आपने ये, पढ़ो पढ़ो। आप प्लेयर थ्रू द बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? Direction बतानी है, बहुत आसान है, जब बॉल ऊपर फेंका है आपने, ऊपर को प्लस मानते हैं तो acceleration क्या आएगा? Negative। बॉल ऊपर जा रही है तो acceleration कहाँ है जी? Direction क्या आएगा? Downward। देखो आंसर क्या है जी, vertically। What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? Highest point पे velocity क्या हो जाएगी? Zero। और acceleration क्या होगा? Downward। आसान था यार, दिखने में लग रहा था बड़ा। Choose x 0 meter and f 0 second to be the location and time of the ball। ये टी होगा नॉट एफ है ना, ठीक है, टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पे हमने क्या मान लिया? लोकेशन, ओरिजिन मान लिया टॉप पे,
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड प्लस ले लिया भाई, एंड गिव द साइन ऑफ पोजिशन। पोजिशन तो बॉडी जब नीचे आएगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार ये, टॉप पे मान लिया, डाउनवर्ड प्लस माना है तो अपवर्ड क्या माना जाएगा, माइनस। तो जब बॉल अपवर्ड जाएगी, अपवर्ड जाएगी तो डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए डिस्टेंस का, ठीक है। तो x हमेशा बड़ा होगा, चाहे आप अपवर्ड जाएं चाहे आप डाउनवर्ड जाएं। अपवर्ड जाएंगे वेलोसिटी क्या आएगी, माइनस। क्यों यार, जब आप अपवर्ड जाएंगे तो वेलोसिटी ऊपर होगी, उसको नेगेटिव माना है, डाउनवर्ड को क्या माना है, प्लस माना है। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, प्लस होगा डाउनवर्ड। ये तो साइन कन्वेंशन आपको खूब लिखाई है मैंने, बेटा समझ में आएगी यार। इस रेफरेंस से जो भी मानेंगे, ऊपर प्लस नीचे। आखिरी पार्ट, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। क्या डाउ दिया नहीं उसने यार। अच्छा ये है 29.4 है, कितनी ऊंचाई पे जाएगी बताओ। एच बोलो जी, यू स्केयर अपॉन, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, यू कितना है, कितना था, कितना था बताओ यार, 29.4 का स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 9.8, सॉल्व कर लीजिए आंसर। टाइम कैसे निकालेंगे आप, टाइम कैसे निकालेंगे, आने और जाने का टाइम पूछा है, वेलोसिटी पता है, यू बाय जी। बेटे शॉर्टकट लगाओ, आने जाने का दोनों का यू टू यू बाय जी है, आने का भी जाने का भी, दैट इज टू यू बाय जी। अकेला निकालना है यू बाय जी। समझ में आ गया जी क्वेश्चन कैसे करने हैं, और कोई डाउट? तो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन थे बेटा, थोड़े से मुश्किल है, प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए कल आपका टेस्ट है जी, कहां तक, बुकलेट से ही क्वेश्चन डाले जाएंगे और कहीं से डाले नहीं जाएंगे। नहीं नहीं टेस्ट रखा हुआ, छुट्टियां भी 15 हो गई है जब, इसको आप आगे पीछे ना करें, मुझे भी जवाब देना है पेरेंट्स को। बेटा आप समझदार हैं, मुझे भी जवाब देना है पेरेंट्स को, पूरी हॉलीडेज निकल गई, कोई टेस्ट नहीं हुआ यार। पढ़कर आएंगे मोशन इन वन डायमेंशन, बुकलेट से ही क्वेश्चन होंगे, बाहर से नहीं होंगे। पीपीवी 6 तक बस लगाया हो उतना फिर ही पढ़ाओ। ओके इस बार टेस्ट तुम्हारा बुकलेट से बनाया जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बुकलेट ही पढ़कर आनी है और कुछ नहीं पढ़ के आना है, ठीक है जी। मिधांश तो आ रहा है, रिया भी आ रही है, वर्षा कौन है ये, वर्षा वर्षा को जा, अच्छा हाँ मैं दे दूँ, आप दे दोगे मैं दूंगी, तू दे देना, 10 दिन मिलकर रहते हैं ना, मैं भी भूल जाऊंगा। मैं तुमको व्हाट्सएप नीचे मैडम बोलो, व्हाट्सएप कर देंगे पेरेंट्स को, व्हाट्सएप करवा देंगे। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है जी वो पूछ ले।
बच्चों कोई डाउट है जी, कोई पर्सनल डाउट है तो पूछ लो। आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉर्क निकालना है। आज मैंने सिखाना है पंखा कैसे घूमता है। बेटा होमवर्क मिला है तुम डीपीपी क्या हो दिखाओ, मैं डीपीपी चेक करना पड़ी यार। चार पांच क्वेश्चन, हाँ जितने भी क्वेश्चन से दिखाओ यार। जी बच्चे नहीं मिलते ना, पेरेंट्स को व्हाट्सएप कर दे, पेरेंट्स व्हाट्सएप करते नहीं, एक करे जाके दिखा देने हैं, एक करे जाके दिखा देने हैं, बच्चे तो पैड़े होंगे, करे जाके दिखा देने ही। ਸਰ 10 ਲਿਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਹੈ 10 ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ
हाँ जल्दी, हेलो, बहुत बढ़िया, सुनाओ, बढ़िया ने छोटा प्रश्न है, कल भी बोलना है ने तो बहुत बात हो गया उतनी सीगा पापा सी उतनी हाँ अच्छा माइनर जाए कोई बड़ी बड़ी गल है नहीं यार ताकि अजीत सिंह से चलते रहने शीट है थोड़ा बहुत किन्ना वाला है ऊपर नीचे कनदा पर्दे पर्दा बदलाया करना हाँ हाँ एक दिन रखा उन्होंने अगले दिन भेजता हाँ हाँ और तेरा क्यों कोई ठीक है फोर्ट तेरा भुखंदर भुखंदर ठीक है तेरा भुखंदर ठीक है ना कालियां वाली जावड़ मैं कहा मैं भुखंदर ना लगे दो घंटे दिए मैं सारी ना कोई पेन होवे ना कोई पेन होवे तेनू पता ही जिला किता की उन्होंने अरे सर आई तो डॉक्टर आप ही उन्होंने आजकल करने का की दिता उन्होंने ने हाँ जीता लगा तो कुछ नहीं पता एक ठीक है लगभग तो जो होते हैं वो तो बात तुम कुछ नहीं समझा ना क्यों है चंगा बना के बाहर आएंगे पता ही नहीं कितना कोई ना तुम तो आप समझे कि कितना बने गए भाई कल आओ बंदे को हाँ भाई बहुत तगड़ा पंद्रह चौदह पंद्रह हजार लोग एक बार जब हो पड़ा था नाल जब खत्म हाँ हाँ नंबर सुन लीजिए नंबर मंगा जो ज्यादा तो ब्लैक के अपॉइंटमेंट इतने भी दो दिन बैठते हैं दो दिन महीने लोकल बैठते हैं दसवें स्कूल के सामने रोहतक बाबा सिंह दसवें स्कूल के सामने रोहतक बाबा सिंह इतों ले ला टाइम इतनी कर ला अपॉइंटमेंट इतने ले ला जाओ उठे आवे बड़ा वजिए काम भी है मैं परेशान होने का कोई मतलब नहीं बन रहा भाई तेन पता ही नहीं चलना जो उन्होंने समझ नहीं आया मैं कुछ चाहता सी उन्होंने मेरा बंदा डॉक्टर बंदा उन्होंने समझ नहीं आया की किया रहा आप समझा नहीं आ रहा परेशान है की किया यार रब जाने के पीड़ी कम लाई है अंदर चलो तो साढ़े उरा पर जानू तो अपने मम्मी का भी करवाया अपनी मम्मी ने बिल्कुल ही समस्या नहीं है दो बंदे तो मैं करवाते हैं हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ ਪਾਵਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है मैं भी क्लास में गया पॉइंट
बुकलेट के लिए मिली, बुकलेट में कहा था मीटर देगा आदि का होमवर्क डाल रहा मेरा मैथ नहीं है अभी हम लोग रखे हुए गवर्नमेंट एक फोन फड़ रहा सारा मैंने यार भी सारे फोन फड़ाओ अपना अपना कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते ओए सारे फोन पढ़ाओ अपना अपना भाई आले गीत हां लड़का वाला बहुत बात समझ नहीं आता क्यों है वो तो बात समझ क्यों है हां हाँ जी सर हेलो हाँ बोलिए हाँ हो तो क्लास में बताइए सर हाँ मैं पूछ रहा क्या ठीक है क्या कहते हैं